वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट, विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट, कौन सा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट, दैट इज द सहारा डेजर्ट। कौन सा है? सहारा डेजर्ट, ठीक है। और ये जो सहारा डेजर्ट है ये क्या है, ये कहाँ पे है? ये है इन नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है। कहाँ पे है सहारा डेजर्ट? सहारा डेजर्ट जो है नॉर्थ अफ्रीका में है, ठीक है ना। और जो सहारा डेजर्ट है ये मतलब ये बहुत सारी कंट्रीज़ को टच करता है, बहुत सारी कंट्रीज़ के बहुत पार्ट्स को इसने कवर किया है। जैसे हमारे पास अल्जीरिया है, इजिप्ट है, लीबिया है, माली है, मोरक्को है, नाइजेर है, वेस्टर्न सहारा है, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। उन सभी कंट्रीज़ में ये डेजर्ट जो है वो फैला हुआ है, उनका बहुत सारा हिस्सा जो है इस डेजर्ट ने कवर किया हुआ है, और इसी वजह से जो है ये क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है। कौन सा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट? सहारा डेजर्ट। कौन सा है? सहारा डेजर्ट, ठीक है। ठीक है, अब हम अगर बात करें, हमने बात की कि जो डेजर्ट होते हैं, डेजर्ट में वेजिटेशन बहुत कम होती है ना, बहुत कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि हमने पढ़ा कि वहाँ पे रेनफॉल जो है वो बहुत कम होती है ना, इसी वजह से वहाँ पे वेजिटेशन भी नहीं होती। अब जब वहाँ पे सैंड है, वहाँ पे वेजिटेशन कम है, तो अगर हम बात करें कि वहाँ के जो लैंड के बारे में, लैंड वहाँ की ज़मीन जो है वो कैसी है ना, क्या वहाँ की ज़मीन फर्टाइल होगी? नो, अब क्योंकि अगर वो फर्टाइल होती तो वहाँ पे हमें वेजिटेशन भी मिलती, बट वहाँ पे जो वेजिटेशन नहीं है, तो पानी नहीं है वहाँ पे, बारिश नहीं होती है, इसी वजह से वहाँ की जो लैंड है वो कैसी है? बैरन। कैसी लैंड है? बैरन। बैरन लैंड कौन सी होती है? बैरन लैंड कौन सी होती है? इसको हम बोलते हैं हिंदी में बंजर भूमि, ठीक है। बंजर भूमि, बंजर का मतलब होता है कि वो ज़मीन जहाँ पे कोई भी पेड़ पौधा नहीं उगता है, ठीक है ना। बैरन लैंड मतलब जहाँ पे कोई भी वेजिटेशन ग्रो नहीं करती है, ठीक है। तो जो डेजर्ट है, इंडियन डेजर्ट है, वहाँ की जो लैंड है वो कैसी है? बैरन लैंड है, ठीक है ना। बैरन लैंड क्यों है? क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है रेनफॉल जो है वो बहुत ही कम होती है ना। और रेनफॉल नहीं होगी तो लैंड जो होगी वो कैसी होगी? बैरन होगी। कैसी होगी? बैरन होगी, ठीक है। और जो थोड़ी बहुत वेजिटेशन वहाँ पे पाई जाती है, वहाँ पे कुछ शब्स पाए जाते हैं, ट्रीज़ वगैरह नहीं पाए जाते, वहाँ पे कुछ शब्स पाए जाती हैं, ठीक है। और वो कैसी होती हैं कि उनकी जो स्टेम्स होती है ना, वो वहाँ पे जो आपको शब्स पाई जाती हैं उनकी फ्लैशी स्टेम्स होती हैं, फ्लैशी स्टेम्स। फ्लैशी स्टेम्स का मतलब होता है कि वो जो उनके स्टेम्स होती हैं वैसे चमकती हैं, ठीक है ना। ऐसे जब उन पे धूप पड़ती है तो वो चमकती हैं, शाइन करती हैं, ठीक है। और जो उनका साइज होता है, जो वहाँ के पेड़ों का साइज होता है वो कैसा होता है? छोटा होता है, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं, वहाँ पे जो है वहाँ के जो पेड़ होते हैं उनका जो साइज होता है वो क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। और वहाँ पे कौन कौन से पेड़ जो है वो पाए जाते हैं? वहाँ पे पाया जाता है बबूल का पेड़, बबूल जो उसको हम बोलते हैं कीकर, ठीक है ना। बबूल को क्या बोलते हैं हम? कीकर, ठीक है। या फिर वहाँ पे क्या पाए जाते हैं? कैक्टस, ठीक है। कैक्टस जो है ये तो मेनली वहाँ पे मिलते ही मिलते हैं, ठीक है ना। तो बैरन लैंड है वहाँ की, और वहाँ पे जो है वहाँ पे शर्ब्स पाई जाती हैं, ठीक है। थॉर्नी शर्ब्स पाई जाती हैं, कैक्टस वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारी, जैसे हमने बोला कि ये जो शर्ब्स होती हैं इनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत क्या होती हैं? लॉन्ग होती हैं। इनकी शर्ब्स की रूट्स काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होती हैं, जिसकी वजह से ये क्या कर लेती हैं? ज़मीन से पानी जो है अब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि डेजर्ट में जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसका लेवल बहुत लो होता है, बहुत ज़्यादा नीचे होता है, ठीक
ठीक है ना, इसी वजह से जो है वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, इतनी ज़्यादा इतनी कम वेजिटेशन होती है, क्योंकि वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो बहुत ही नीचे होता है, और ये जो शर्ब्स होती हैं इनकी रूट्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती हैं, मतलब ये क्या कर सकती, इतनी लंबी होती है कि वहाँ अंदर तक जाके ये जो है पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, तो आज हमने इसमें किसके बारे में पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा कि जो हमारा इंडियन डेजर्ट है ये कहाँ से लेके कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि यहाँ पे जो है यहाँ का सीज़न कैसे होते हैं, लैंड्स कैसे हो, लैंड कैसी है ना, यहाँ पे कौन कौन से ट्रीज पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा आज हमने इसमें डिस्कस किया। ठीक है ना, तो जो इंडियन डेजर्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, वो उसका नाम क्या है, हमारे इंडियन डेजर्ट का नाम जो है वो क्या है, वो है थार डेजर्ट। क्या है, थार डेजर्ट। ठीक है, तो ये थार डेजर्ट जो है ये कहाँ पे पाया जाता है, थार डेजर्ट जो है ये पाया जाता है इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है ना, राजस्थान में जो है ये डेजर्ट जो है पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा सैंड है, क्या है, सबसे ज़्यादा सैंडी एरिया है ये। ठीक है, क्या है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सैंडी एरिया है, और यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो भी क्या है, बहुत कम है। क्या है, यहाँ पे लेस वेजिटेशन है। ठीक है ना, यहाँ पे वेजिटेशन क्या है, बहुत ही कम है। क्यों है वेजिटेशन जो है वो इतनी कम क्यों है, क्योंकि हमने पढ़ा कि यहाँ पे जो रेनफॉल है वो बहुत कम होती है ना, यहाँ पे जो रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, जिस वजह से जो है यहाँ पे वेजिटेशन भी बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, वेजिटेशन के साथ साथ यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी जो है वो बहुत कम है, मतलब वाइल्ड एनिमल्स भी जो है वो यहाँ पे नहीं पाए जाते, बहुत कम वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं, सिर्फ वही एनिमल्स पाए जाते हैं जो क्या कर सकते हैं, इतने हॉट क्लाइमेट में सरवाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं, अदरवाइज किसी कोई और जानवर जो है वो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकता, इसीलिए वो जानवर वहाँ पे नहीं रहते। ठीक है ना, और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हमने पढ़ा कि वहाँ पे हमें स्मॉल हिलॉक्स देखने को मिलते हैं, किसके, स्मॉल हिलॉक्स ऑफ सैंड, जिनको हम क्या बोलते हैं, ड्यून्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्यून्स। ठीक है, स्मॉल हिलॉक्स ऑफ सैंड का मतलब क्या है कि वहाँ पे सैंड की छोटी छोटी पहाड़ियाँ बनी होती हैं। ठीक है, क्या बनी होती है, सैंड की छोटी छोटी पहाड़ियाँ बनी होती हैं, जिनको क्या बोला जाता है, ड्यून्स बोला जाता है, और वहाँ पे जो है डस्ट स्टॉर्म्स चलते हैं डेजर्ट में, और उन डस्ट स्टॉर्म्स से क्या होता है, ये जो ड्यून्स होते हैं ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब स्टॉर्म चलता है तो वो अपने साथ क्या है, इस हिलॉक्स पे जो सैंड होती है उनको भी अपने साथ उड़ा के ले जाता है, और उसे कहीं और जगह पे छोड़ देता है, जहाँ पे छोड़ता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक नया हिलॉक बन जाता है, और पुराना वाला हिलॉक जो है वो अपनी जगह से क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये है कि वहाँ पे क्या होते हैं, डस्ट स्टॉर्म्स चलते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि यहाँ के सीज़न के बारे में, कि जो डेजर्ट में जो डेज होते हैं, सबसे पहले तो हमने डेज की बात करेंगे ना, कि डेज क्या होते हैं, दिन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वेरी सॉरी हॉट होते हैं, एंड नाइट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, वेरी कोल्ड। ठीक है ना, दिन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, और नाइट्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा
ठंडी होती है। इसके पीछे का हमने पढ़ा रीज़न क्या है कि यहाँ पे क्या है, सैंड पाई जाती है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि डेजर्ट में क्या होती है, सैंड पाई जाती है। और सैंड जो होती है ये क्या होती है, बहुत बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है और बहुत ही जल्दी क्या हो जाती है, ठंडी भी हो जाती है, ठीक है ना। तो जब सनराइज़ करता है, जब सुबह होती है सनराइज़ करता है, तो जैसे जैसे सन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है, जब जैसे जैसे दोपहर होना स्टार्ट होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये सैंड वैसे वैसे ही क्या होने स्टार्ट हो जाती है, गर्म हो जाती है, ठीक है ना। तो उस टाइम पे क्या होता है, दिन के टाइम पे सैंड बिल्कुल गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, गर्मी हो जाती है, ठीक है। और जैसे सनसेट होता है तो सैंड भी क्या हो जाती है, एकदम से ठंडी हो जाती है, और जिस वजह से क्या होता है, नाइट नाइट के टाइम पे वहाँ पे क्या होती है, ठंड हो जाती है। समझ आई क्यों? क्योंकि जो सैंड जो होती है ना, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत ही जल्दी क्या हो जाती है, ठंडी भी हो जाती है। तो इसी वजह से जो डे होते हैं वो गर्म हो जाते हैं और जो नाइट्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें समर सीज़न की, तो समर्स जो होती है, जो गर्मियाँ होती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। कहाँ पे? डेजर्ट में, ठीक है। एक तो ये प्लेन एरिया है, ठीक है, प्लेन एरिया, यहाँ पे माउंटेन्स जो होती हैं बहुत कम होती हैं, क्योंकि अगर माउंटेन्स हों तो माउंटेन्स की वजह से क्या होता है, हमारा जो क्लाइमेट होता है वो ठंडा रहता है, बट यहाँ पे माउंटेन्स नहीं है, ठीक है ना। और ये प्लेन एरिया है, ऊपर से यहाँ पे क्या है, सैंड है, वेजिटेशन भी नहीं है, रेनफॉल भी कम होती है, जिस वजह से क्या होता है कि जब समर होती है तो वो समर के टाइम में यहाँ पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। क्या होती है? समर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। एंड विंटर्स में क्या होता है, वही रीज़न आ गया कि उस टाइम पे सैंड क्या होती है, ठंडी होती है, तो वहाँ पे विंटर्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं, ठीक है ना। स्नो तो होगी नहीं, क्योंकि स्नो जो होती है वो मैक्सिमम कहाँ पे होती है, हिली एरियाज़ में, प्लेन एरियाज़ में बहुत कम स्नोफॉल होता है, तो स्नो तो होगी नहीं, बट ऐसे वहाँ पे क्या होती है, ठंड होती है, ठीक है। और बारिश बहुत कम होती है यहाँ पे, इस एरिया में बारिश जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, कम होती है, ठीक है। और दूसरा हमने किया था कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट डेजर्ट है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट है वो कौन सा है, वो है सहारा डेजर्ट। कौन सा है? सहारा डेजर्ट है। और ये कहाँ पे है? नॉर्थ अफ्रीका में। कहाँ पे है? नॉर्थ अफ्रीका में, है ना। कहाँ पे है ये? नॉर्थ अफ्रीका में। थार डेजर्ट जो है ये इंडिया में है, और सहारा डेजर्ट जो है ये कहाँ पे है? नॉर्थ अफ्रीका में, ठीक है। और ये क्या है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है, ठीक है। उसके बाद हमने किया था कि यहाँ पे जो लैंड है, जो डेजर्ट की जो लैंड है वो कैसी है, लैंड कैसी है यहाँ पे? वैरन लैंड है। वैरन होती है बंजर, ठीक है ना, जिसके ऊपर कोई भी जो है वेजिटेशन नहीं होती, कोई भी जो है प्लांट वगैरह ग्रो नहीं करता। और वैरन लैंड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, कम होती है, और पानी नहीं होने की वजह से, और एक तो यहाँ पे बारिश नहीं होती, ऊपर से जो गर्मी होती है वो इतनी मतलब ऐसे जलाने वाली गर्मी होती है, जिस वजह से जो है यहाँ पे यहाँ की जो ज़मीन है वो कैसी है, वैरन लैंड है, बंजर भूमि है, ठीक है ना। और वो किस वजह से है? एक तो पानी की कमी की वजह से, और दूसरी जो बहुत ज़्यादा गर्मी है उसकी वजह से जो है यहाँ की लैंड कैसी है, वैरन लैंड है। कैसी है? वैरन लैंड है, ठीक है ना। और उसी की वजह से जो है यहाँ पे वेजिटेशन भी नहीं होती, ठीक है, उसी वजह से क्या होता है, यहाँ पे वेजिटेशन भी बहुत कम होती है, यहाँ पे कुछ कुछ शर्ब्स पाई जाती हैं, ठीक है, और जो थोड़े बहुत ट्रीज पाए जाते हैं वो भी कैसे होते हैं, उनकी हाइट बहुत कम होती है, ठीक है ना, हाइट बहुत कम होती है। और दूसरा जो है वो कैसे होते हैं,
थॉर्नी होते हैं, मतलब उनको क्या होते हैं, कांटे होते हैं, ठीक है ना। कैसे होते हैं वो, थॉर्नी शर्ब्स होती हैं। और उनकी, और वो भी कैसे यहाँ पे पाई जाती हैं, क्योंकि उनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डीप जाती हैं, बहुत लंबी होती हैं, और वो ज़मीन के बहुत नीचे तक जाके जो है अंडरग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे सिर्फ थॉर्नी शर्ब्स ही पाई जाती हैं, जहाँ दूसरे बबूल का पेड़ पाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा इंडियन डेजर्ट के बारे में, उसकी लैंड के बारे में, उसके सीज़न के बारे में। बाकी का इसका जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इसके ए पार्ट में, ओके। सबसे पहले हम करेंगे चूज एंड टेक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अब सबसे पहले फर्स्ट चूजन ठीक है आपका द इंडियन डेजर्ट इज पार्शली सैंडी एंड पार्शली, आपके ऑप्शंस हैं सोक्ड, मार्शी, फ्लैट, और डी पार्ट है आपका रॉकी। तो जो इंडियन डेजर्ट है वो क्या है, एक पार्शली सैंडी एंड पार्शली रॉकी, ठीक है। क्या है वो, वहाँ पे थोड़ी सी मतलब पार्शली थोड़े थोड़े वो सैंडी हैं और थोड़े थोड़े क्या है वो रॉकी हैं, ठीक है। फर्स्ट हो गया चूज एंड टिक। सेकंड आ गया डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन इन, कहाँ पे है डस्ट स्टॉर्म बहुत ज़्यादा कॉमन, रिवर में या डेजर्ट में या फॉरेस्ट में या डी पार्ट ओशन में, कहाँ होते हैं डस्ट स्टॉर्म्स, रिवर में होते हैं, डेजर्ट में, फॉरेस्ट में या ओशन में। यस, वो होते हैं डेजर्ट में, ठीक है। थर्ड आ गया द सहारा डेजर्ट इज सिचुएटेड इन, सहारा डेजर्ट कहाँ पे है, नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका सी, जर्मनी या डी इंडिया, कहाँ पे है सहारा डेजर्ट जो है, ये कहाँ पे है, ये हमने डिस्कस किया था अभी, नॉर्थ अफ्रीका में है, नॉर्थ अमेरिका में है, जर्मनी में है या इंडिया में है, ये है नॉर्थ अफ्रीका में, कहाँ पे है, नॉर्थ अफ्रीका में।
ठीक है। उसके बाद फोर्थ है आपका स्कैसिटी ऑफ वाटर एंड स्कॉचिंग हीट हैज केप्ट द डेजर्ट रीजन स्कैसिटी। क्या होती है स्कैसिटी का मतलब होता है कमी, ठीक है। और स्कॉर्चिंग हीट मतलब स्कॉर्चिंग होती है जलाने वाली, ठीक है। तो पानी की कमी की वजह से और जलाने वाली गर्मी की वजह से जो है जो डेजर्ट रीजन है वो कैसा है, वेट है, गीला है, ड्राई है, सूखा है, सी वैरन है या डी फर्टाइल है, कैसा है, वेट है, ड्राई है, वैरन है या फर्टाइल है, कैसा है, वैरन है, ठीक है ना, कैसा है, वैरन है। वहाँ की लैंड जो है वो कैसी है, वैरन लैंड है, ठीक है। तो ये हो गया आपके चूज एंड टिक। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। ओके, फर्स्ट ट्रू फॉल्स है आपका द स्टॉर्म्स आर वेरी रेयर इन डेजर्ट। रेयर होता है कभी कभी, बहुत कम। तो कहते हैं कि जो डस्ट स्टॉर्म्स हैं ये डेजर्ट में बहुत कम पाए जाते हैं, बहुत कम चलते हैं। तो कम चलते हैं डस्ट स्टॉर्म्स नहीं, हमने पढ़ा था कि डस्ट स्टॉर्म्स जो हैं वो बहुत कॉमन है डेजर्ट में, ठीक है। तो इसका आएगा फॉल्स, ठीक है, रेयर नहीं है, बहुत ज़्यादा चलते हैं। इन द डेजर्ट एरिया, सेकेंड है आपका इन द डेजर्ट एरियाज द समर सीजन इज वेरी हॉट। जो डेजर्ट एरियाज हैं वहाँ का जो समर सीजन होता है वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, गर्म होता है, यस ट्रू, क्योंकि समर्स जो होती हैं डेजर्ट में वो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। थर्ड आ गया स्कार्सिटी ऑफ वाटर हैज कैप्ट द डेजर्ट रीजन बैरन। कि पानी की कमी की वजह से जो डेजर्ट होते हैं यहाँ का जो रीजन है, यहाँ का जो एरिया है डेजर्ट का जो एरिया है वो बैरन है, बंजर है। स्कार्सिटी क्या होती है, कमी, अभी पढ़ा हमने पहले, ठीक है। तो क्या वहाँ का एरिया जो है वो बैरन है, ट्रू, वहाँ पे क्या है, वहाँ की जो लैंड है वो बैरन लैंड है, ठीक है। तो ये आपके ट्रू फॉल्स भी हो गए। अब आते हैं आपके सी पार्ट पे, फिल इन द ब्लैंक्स में। सबसे पहला है द इंडियन डेजर्ट इज पार्शली डैश एंड पार्शली डैश। जो इंडियन डेजर्ट है वो क्या है, पार्शली क्या है और पार्शली क्या है, पार्शली सैंडी है, थोड़ा सा सैंडी है और थोड़ा सा क्या है, रॉकी है, ठीक है। क्या है, पार्शली सैंडी एंड पार्शली रॉकी, ठीक है।
सेकंड है स्ट्रॉन्ग विंड्स, स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन इजिली मूव द डैश फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. स्ट्रॉन्ग विंड्स जो चलते हैं वो किसे जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, जब स्ट्रॉन्ग विंड्स चलते हैं तो. हाँ, जिसको ड्यून्स को, DUNES, ड्यून्स को, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो ड्यून्स बने होते हैं उनको वो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर देते हैं, मूव कर देते हैं, क्योंकि वो उन्हें अपने साथ उड़ा के ले जाते हैं और दूसरी जगह पे छोड़ देते हैं. ठीक है, थर्ड पार्ट आएगा ड्यू टू डैश ऑफ वाटर मोस्ट ऑफ द लैंड लाइज वेस्ट. वेस्ट का मतलब यहाँ पे है कि जो हमने पहले पढ़ा कि बैरन लैंड, जब कोई ज़मीन जो है वो बैरन हो जाती है तो वो वेस्ट ही होती है, वहाँ पे ना तो कोई वेजिटेशन होगी, कुछ भी नहीं होगा, तो वो वेस्ट होती है. तो कहता किसकी वजह, किस पानी की किस वजह से जो है बहुत सारी लैंड जो है डेजर्ट की वो वेस्ट होती है, तो किसकी वजह से, स्कार्सिटी की वजह से. स्कार्सिटी होती है कमी. क्या होती है स्कार्सिटी, कमी, पानी की कमी की वजह से जो है डेजर्ट की जो लैंड है वो क्या है, वेस्ट है, बहुत सारी लैंड जो है वो वेस्ट है. ठीक है, तो ये हो गया आपके फिल इन द ब्लैंक्स. अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, इसका डी पार्ट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ. ठीक है, ये एक किस्म के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वेयर इज द इंडियन डेजर्ट लोकेटेड. इंडियन डेजर्ट जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे लोकेट करता है, जो इंडियन डेजर्ट है वो कहाँ पे लोकेट करता है. ठीक है, तो इसका आंसर आप लिखोगे द इंडियन डेजर्ट, द इंडियन डेजर्ट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान. कहाँ पे लोकेट करता है ये, कौन से स्टेट में, राजस्थान में. दैट इज द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स. कि जो हमारी नॉर्दर्न प्लेन्स है उनका जो साउथ वेस्ट पार्ट है वहां पे जो है ये राजस्थान स्टेट है, और राजस्थान स्टेट में ही जो है इंडियन डेजर्ट लोकेट करता है. ठीक है, आई समझ सभी को. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट एरियाज. जो डेजर्ट एरियाज होते हैं उनका वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है उसके बारे में जो है आपने बताना है. ठीक है, तो हमने पढ़ा था कैसा होता है कि वहाँ पे क्या होती है, समर्स में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और विंटर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होती हैं.
ठीक है, तो राइट डाउन, इन द डेजर्ट एरियाज द समर्स आर वेरी हॉट एंड द विंटर्स आर वेरी कोल्ड। ठीक है, क्या होता है डेजर्ट एरिया में समर्स जो होती हैं बहुत गर्म होती हैं और विंटर्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। ठीक है, एंड देयर इज हार्डली एनी रेनफॉल, कि मुश्किल से वहाँ पे कभी कभी जो है वो बारिश होती है, अदरवाइज वहाँ पे बारिश भी नहीं होती। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद इसका ई पार्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपके, ठीक है, जो जब बोलेंगे कि डिटेल में बताओ तो वो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में कौन सा लार्जेस्ट डेजर्ट जो है वो पाया जाता है, एक्सप्लेन इट, उसके बारे में एक्सप्लेन करो। ठीक है, हमने पढ़ा था कौन सा डेजर्ट है लार्जेस्ट डेजर्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, यस सहारा डेजर्ट। तो आप लिखना है द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज द सहारा डेजर्ट। ठीक है, और ये कहाँ पे लोकेट करता है, इट इज लोकेटेड इन नॉर्थ अफ्रीका। कहाँ पे है ये, नॉर्थ अफ्रीका में है। ठीक है, इट इज वन ऑफ द थ्री डिस्टिंक्ट फिजियोग्राफिक प्रोविंसेस